नमस्कार खाऊ दोस्तों, एक नया दिन, एक नया व्लॉग और एक नई सुबह कोल्हापुर में। और देखिए ये मौसम फॉगी, और मेरे साथ है केदार, हेलो हंगरी कोल्हापुर कर। और ये हमें आज कहाँ लेकर आए यही बताएंगे। सो ये है फोर्ट किला पनाड़ा। सो इधर शिवाजी महाराज और हिस्ट्री बहुत है। ये बाजीराव देशपांडे जी का स्टैचू है। और इधर सब महाराष्ट्रीयन डिशेस बहुत फेमस है। अच्छा। जैसे पिटला भाकरी है, कांदा भजी है। वैसे भी वेदर का ऐसा है, रिक्वायरमेंट तो है वो तो एंजॉय करेंगे, है ना। ये तो चलते हैं अंदर, आपको पनाला फोर्ट भी दिखाते हैं और यहाँ पे क्या क्या मिलेगा खाने का वो भी दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, पहुंच गए हम ऊपर केदार के साथ। यस, द हिस्टोरिक पनाला फोर्ट। यस, जो अभी जो है ये तीन दरवाजा करके फोर्ट का ये है। इधर खाली तीन दरवाजा है, जो तीन अलग अलग दरवाजे हैं, वो जो एंट्रेंस है पनाड़ा का। अच्छा, तो ये वो एरिया से स्टार्ट होता है। हाँ। ओहो, और यहाँ का व्यू देखिए फ्रेंड्स, इस समय इस कवर्ड विद फॉग और बारिश की वजह से बहुत अभी ग्रीनरी मस्त लग रही है। ग्रीनरी अच्छी है, आई होप आपको दिख रहा हो सब कुछ। फॉगी बहुत है इस समय, विजन थोड़ा हमारा भी ब्लर हो रहा है इसकी वजह से, बट एकदम टॉप पर है और खूबसूरत नजारा है यहाँ से। आगे बढ़ते हैं और भी आपको चीजें दिखाते हैं इस जगह के बारे में। चलो केदार। तो ये जो है, जो आपको बताओ था, तीन दरवाजा, ये एंट्रेंस है फोर्ट का। ये हाँ, यहाँ पर ये एंट्रेंस है। अच्छा, तो फ्रेंड्स ये तीन दरवाजा का एंट्रेंस है यहाँ पर। यहाँ पर हम पहुंच गए, अब यहाँ से अंदर चलेंगे और जो जो डिस्कवर होता है उसे डिस्कवर करेंगे। बारिश का मौसम, और बारिश का मौसम बिना भुट्टे के कैसे पूरा हो सकता है। अब यहाँ पर दो किस्म का भुट्टा मिल रहा है ना, कौन कौन सा है बताओ। अभी बॉईल वाला भी है, सेका वाला चाहिए, सेका वाला भी मिलेगा। अच्छा, मेरे को बॉईल वाला खिलाओ, मैंने बॉईल वाला कभी खाया नहीं। हाँ, बनाओ बॉईल। बॉइल्ड भुट्टा मिल गया है, अब इसे खाते खाते चलते हैं आगे और डिस्कवर करते हैं कुछ नई नई डिस्कवरीज। भुट्टा ले लिया, दो दो हिस्से भी करवा लिए। हाँ। एक हिस्सा मेरे लिए और एक हिस्सा तुषार के लिए। इसको भुट्टा पसंद नहीं, आज नहीं खाएगा। तो मैं खाता हूँ ये लीजिए तुषार जी, भुट्टा लीजिए। अरे भुट्टा लीजिए, कोई बात। क्या बस स्वीट है, कौन स्वीट कौन वाला है, सुपर्ब है। और ऊपर से वो मिक्स टेस्ट है, स्पाइसी, नींबू का खट्टा। ऐसी जगह, ऐसी बारिश और ऐसा भुट्टा, वाह। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा आज काफी सारे स्टॉल्स यहाँ पर बंद हैं, शायद बारिश की वजह से। हाँ, तो अभी देखते और आगे देखेंगे, अगर नहीं तो हमारे पास और एक जगह है वो दिखा देंगे। बिल्कुल, तो चलते रहिए हमारे साथ, आप भी नई नई चीजें डिस्कवर करते रहिए। यहाँ बंद है तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो खुला मिलेगा। तो दोस्तों हम लोग घूम रहे हैं पनाला फोर्ट, और पनाला फोर्ट का एक हिस्सा ये भी है जिसे कहा जाता है सज्जा कोटी, यानी कि जब शिवाजी महाराज के टाइम में इधर रूल करते थे। हाँ। तब कोई अगर कोई इन्वेडर आता है या हाँ। कोई दुश्मन का हाथ में आता है। हाँ। तो उनको सजा देने रहे, तो इधर से सजा देते थे, इधर से डायरेक्ट नीचे। अच्छा। हाँ, मोए मतलब मोए होता था उधर से, इधर से मतलब इधर से सीधा नीचे फेंक देते थे। हाँ। खाई मतलब इतनी बड़ी, बहुत बड़ी खाई। हाँ, हम आपको दिखाते हैं, ये सजा देने की एक अलग ही मतलब सिस्टम था और अलग ही तरीका था। यहाँ पे जो कल्प्रिट थे उनको लाया जाता था और सीधा नीचे यहाँ से धक्का दिया जाता था। देखिए नीचे, ओहो हो हो, संभाल के, बाबा रे बाबा, ऐसा है। इस समय हवा यहाँ पर बहुत तेज चल रही है, तो आई होप आपको हमारी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रहा है। हम जोर जोर से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो बस अब यहाँ से चलते हैं। वहां पर तो देख लिया था दुकानें बंद थी, अब कहीं और जाकर केदार एक दो करना चाहिए। हाँ, ना ट्राई करते, देखते क्या होता है। हम लोग चलते हैं, आप लीजिए इस जगह का मजा।
फाइनली हमें खाने की खूब सारी जगहें मिल गई, एक नहीं खूब सारी, जब चालू है सब, सब कुछ चालू है। और यहाँ पर महाराष्ट्रियन जो डेलिकेसीज होती है वेजिटेरियन टिपिकल, वो सब यहाँ पर मिलता है और लोकल स्टाइल में बना हुआ। तो चलेंगे, आज हम आए हैं रेणुका नाश्ता सेंटर, जो की जो बनाना फोर्ट है उसके जो पार्किंग एरिया है उनके अंदर ये सारी दुकानें हैं। तो बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर और हर एक के पास कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है उनकी। तो अंदर चलते हैं और क्या क्या ऑर्डर करते हैं और क्या क्या खाते हैं आपको बताते हैं, आइए। तो दोस्तों यहाँ पर बन रही है गर्मा गर्म कांदा भजी, करता क्या कांदा भजी कर रहता है। आणखीन काय काय भेटेल आपल्याला इकडे? भरलेला वांग, झुणका भाकरी। अच्छा, झुणका भाकरी पण आहे। ये सब टिपिकल महाराष्ट्रीयन आइटम्स है फ्रेंड जो यहाँ पर मिलते हैं। अच्छा, दही दपाटा पर है, वेरी गुड। दही दपाटा मतलब थाली पेट, वो मस्त उसको कपड़ा डालकर जैसे आपको दिखाया था वैसे बनाते हैं। कुकर में क्या बन रहा है? राइस भी मिलता है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, तो पूरा महाराष्ट्रीयन एकदम वेजिटेरियन सामान है पूरा यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों बैठते हैं और खाते हैं कुछ महाराष्ट्रीयन स्पेशलिटीज इन प्यारी प्यारी लेडीज के हाथ की बनी हुई। इतने प्यार से बना रही है, फर्स्ट क्लास साफ सुथरी जगह है, देख लीजिए रेस्टोरेंट। काफी लोग यहाँ पर आके एंजॉय करते हैं, हम भी एंजॉय करें। दोस्तों आ गया है पूरा महाराष्ट्रीयन खाना मेरे सामने। तो केदार हमारे साथ हैं, कहते हैं मैं घर से खाना खा के आया हूँ तो मेरा पेट भरा हुआ है, इसका रोज कुछ ना कुछ रहता ही है। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, केदार मुझे बता किससे स्टार्ट करूँ पहले? पहले भजी खाओ। अच्छा, स्टार्टर मस्त। हाँ, स्टार्टर यस, केकड़ा स्टाइल, केकड़ा भजी। केकड़ा भजी मतलब केकड़ा नहीं है, ये है तो कांदा भजी लेकिन खेकड़े के क्रैब के जैसे पाव, हाथ पाव रहते हैं वैसे शेप हो गया, शेप है उसका। क्या बात है। क्या कुरकुरित जी, मजा आ रहा। देखो इन्होंने बनाया है एकदम मस्त, यहाँ पर गर्मा गर्म कांदा भजी और इतने प्यार से खिला रहे हैं, साथ में तली हुई हरी मिर्च। हाँ हाँ हाँ, मस्त मस्त है यार कांदा भजी। खाओ सर, आप खाओ, हम लोग तो ऐसे ही आते रहते हैं बनाना। तुम लोग रोज का है ना? हाँ, स्टार्टर ही सक्सेसफुल, बट ये स्टार्टर का एंड नहीं है। हाँ, वापस आएंगे इस पर। यस, तो ये मुझे ना बड़ी टेम्पटिंग लग रही है यार। आप थोड़ा मीडियम स्पाइस चालू करो, फिर स्पाइसी पे आओ। अच्छा, ये स्पाइसी रहता था? हाँ, थोड़ा कंपैरेटिवली यहां से शुरू करें। हाँ, दिस इज पिटला। यस, दिस इज पिटला। ओके, बेसन से बनता है, नाइस एंड हॉट पिटला, राई पड़ी है, कड़ी पत्ता वगैरह, कड़ी पत्ता, ग्रीन चिल्ली। अच्छा, और पैप्स। ये मेरे याद है जो फार्मर्स वगैरह खेतों में काम करते हैं जो आपको सब जगह मिलेगा कोल्हापुर। yes. हम कोल्हापुर खाते ही है, कोल्हापुर इज लव द स्पाइसेस, उनको तिक्का खाना बहुत पसंद है, इसलिए ये खरड़ा और ठेचा हर जगह मिलेगा। और अगर वो स्पाइस लगे तो दही है ही साथ में। स्पाइसी तो है लेकिन इतना मजेदार है, मैं बोलूंगा तुषार को कि नजदीक से दिखाए ये खरड़ा या ठेचा। कोर्सली ग्राउंड है, कोर्सली ग्राउंड है, इसमें हरी मिर्च है, हरी मिर्च, जिंजर गार्लिक, जिंजर गार्लिक, हरी मिर्ची, लहसुन, लहसुन, कोथिंबीर, कोथिंबीर और सॉल्ट। आलू नहीं ना? अदरक नहीं है, अदरक नहीं है, लहसुन, हरी मिर्ची, धनिया, नमक, बस। इसको हाथ से सिलवट्टे में पीस के बन गया ये ठेचा। अब मैं ना ये जरूर लगाऊंगा ठेचा और दही। हाँ, क्योंकि नहीं, दही भी लगा सकते हैं। ये ठेचे का कॉम्बिनेशन मस्त है, मैच मेड इन हेवन है। यस, मैच मेड इन हेवन, दही, पिटला, ठेचा। दही इतना फ्रेश है, पिटला तो है ही फ्रेश, लेकिन दही और पिटला मिक्स हो गए, उन्होंने ठेचे की जो पंजेंसी है ना, तिक्खापन उसको डाइल्यूट कर दिया, कम कर दिया, लेकिन टेस्ट बरकरार। और दही भी घर का लगाया हुआ दही है प्रॉपर, बिल्कुल, बहुत ही टेस्टी दही है, मतलब आई एम लिकिंग माय फिंगर्स यार। अब आओ मैं भांगी के ऊपर की नहीं, अभी तो खाने दे यार। खाओ खाओ, खाओ, खाओ। ट्राई करो, ट्राई करो, कह रहा था पहले उससे जाओ। सो और एक कोल्हापुर का खासियत ये कि ये जो वांगी है, इधर पास में नुरसियावाड़ी करके एरिया है, सो उधर का जो ये वांगी है वो बहुत फ्लेवरफुल रहता है। अच्छा? जो कृष्णा रिवर है उसके
बैंक पे जो उगता है वांगी वो बहुत ही फ्लेवरफुल है। इसका कलर भी मैंने अलग देखा, कुछ ग्रीनिश रहता है ना। यस, ये ग्रीनिश रहता है। मैं आपको दिखाऊंगा इसका क्लोज। तो इधर ये फेमस है, वाड़ीची वांगी बोलते हैं उसको। वाड़ीची वांगी, वाड़ीची वांगी। और ये मसाले में आई थिंक कोकोनट वगैरह पड़ा होगा। ग्राउंड नट है प्रॉपर। अच्छा, फिर सिसमे का थोड़ा पाउडर है। हाँ, ड्राई कोकोनट है, सेसमे है, उसके बाद कोल्हापुरी चटनी है। अगर कांदा लहसुन चटनी है वो है। ओके, तो वही स्पेशलिटी है कोल्हापुर में, सब हाउस होल्ड में सब जगह वो कांदा लहसुन चटनी। आप बाकी कुछ भी मत डालो, खाली वो डालोगे तो बहुत ही फ्लेवरफुल हो जाएगा। कोई भी नॉर्मल डिश हो जाएगी कोल्हापुरी। यस, हम लोग तो जो लेफ्ट ओवर राइस है रात का उसको प्याज कोथिंबीर और वो मसाला डाल के तड़का मार देते हैं, या मसाला राइस। दिस इज अ गुड आइडिया। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर नॉट स्टेइंग इन कोल्हापुर, अगर आप बाहर हैं तो आप कोल्हापुरी मसाले ना आजकल ऑनलाइन सब जगह मिलते हैं। तो कोई उसको कोल्हापुरी मसाला बोलता है, कोई उसको कांदा लहसुन चटनी बोलता है। हाँ, यहाँ पर उसको चटनी बोलते हैं, कोल्हापुरी चटनी। कोल्हापुरी चटनी तो वो आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए और उस चटनी का जो फ्लेवर होता है ना आप अपनी डिश में डाल बनाइए, चाहे वेज बना रहे हैं चाहे नॉन वेज, और आप पहुंच जाएंगे सीधा कोल्हापुर। क्या बात है, उसमें ड्राई कोकोनट पड़ता है। यस, ड्राई कोकोनट। यस, नॉट द ग्रेटेड कोकोनट, नॉट द फ्रेश कोकोनट, बट खोपरा यानी कि सूखा हुआ नारियल। यस, वो पड़ता है इस डैम गुड कोल्हापुरी मसाले में। वाह। तो दोस्तों, मराठी डेलिकेसीज का स्वाद चख रहे हैं हम कोल्हापुर में और चखते जाएंगे। इस ब्लॉग को यहीं खत्म करने का समय आ गया है। तो थैंक्स टू केदार अगेन, द हंग्री कोल्हापुरकर, जो हमारे साथ आए, हमें इतना अच्छी अच्छी जगह घुमाई, फोर्ट दिखाया, आज इतना बढ़िया वेजिटेरियन खाना खिलाया, एकदम ऑथेंटिक बोल सकते हैं इसको, कोल्हापुरी और महाराष्ट्रियन फूड। हाँ, तो केदार थैंक यू वेरी मच। यस, छोड़ेंगे नहीं, अगले ब्लॉग में भी लेके जाएंगे। यस यस, तब तक आपका दूसरा बकरी वेट कर रहा है, आप थोड़ा हम खाएंगे खत्म करेंगे। और ये डेलिकेसीज कभी भी आप मिस मत कीजिएगा, व्हेनेवर यू आर इन कोल्हापुर। मटन और तांबड़ा पांडरा तो है ही, लेकिन ये भी एक ऐसी चीज है जिसके बिना खाए बिना आपको यहाँ जाना नहीं चाहिए। तो ठीक है, इस ब्लॉग को हम यही खत्म करते हैं, अगले ब्लॉग का इंतजार कीजिए। तब तक आप सब क्या बोलो, खाइए, फिर पीजिए, पीजिए और ऐश कीजिए, ऐश कीजिए, फिर धन्यवाद। यस, धन्यवाद।